अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनेस्थीसिया। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम एनेस्थीसिया के बारे में बात करते हैं। एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम ग्रीक। एनेस्थीसिया मीन्स नॉट अ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन। दैट्स मीन एनेस्थीसिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसे ग्रीक वर्ड में बोलते हैं एनेस्थीसिया मीन्स द नॉट सेंसेशन, दैट्स मीन की लॉस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसे देने के बाद पेशेंट को कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता, कोई भी पेन फील नहीं होता है, उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। दूसरा हम समझते हैं एनेस्थीसिया का। Anesthesia is defined as the absence of normal sensation. Anesthesia is defined as the absence of the normal sensation. इसका मतलब क्या होता है? Anesthesia को ऐसे define किया गया है कि इसमें जो हमारा normal sensation होता है वो absence हो जाता है। कैसे absence होता है? क्योंकि anesthesia एक medical treatment है, इसके through क्या होता है, जो भी हमारा normal sensation है जिससे हमें pain, जलन जो भी feel होता है वो क्या होता है, absence हो जाता है। This is also include loss of the protective reflexes is a one type of way to control pain during the kind of surgery or the procedure. ये एक ऐसा treatment है जिसके through हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सेस को और पेन को कंट्रोल करते जब भी हम कोई भी प्रकार की सर्जरी या प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट हमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, क्या क्या रिस्क हमें देखने को मिलता है एनेस्थीसिया में। समटाइम देखा होगा जब भी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया लगता है तो उसको हेडेक, वोमिटिंग, सोर थ्रोट, अगर उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, इनहेलेशन वाला एनेस्थीसिया दिया गया तो उसे सोर थ्रोट, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर होता है एनेस्थीसिया वाले पेशेंट को, जिन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है उनको नॉर्मली देखते हैं हम हेडेक, वोमिटिंग देखने को कॉमनली मिलता है। समटाइम कन्फ्यूजन इज आल्सो अकर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये कन्फ्यूजन होता है मैम कि टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली हमारा एनेस्थीसिया जो है तीन प्रकार का होता है, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड अ लोकल एनेस्थीसिया। विच टाइप? फर्स्ट वन इज़ अ जनरल एनेस्थीसिया एंड सेकेंड वन इज़ अ रीजनल एनेस्थीसिया एंड थर्ड वन इज़ अ लोकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हम देख लेंगे अगेन टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। फर्स्ट वन इज़ अ जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड अ लोकल एनेस्थीसिया। ये सारे तीनों एनेस्थीसिया डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, मतलब उसकी सर्जरी बड़ी है, छोटी है या फिर बहुत माइनर सर्जरी, उसके बिहाव पर हम ये एनेस्थीसिया को देते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। जनरल एनेस्थीसिया टोटली वर्क ऑन द ब्रेन एंड आवर कंट्रोल नर्व सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेक द पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस। जनरल एनेस्थीसिया इस तरह काम करती है, ये टोटली हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, जिससे क्या होता है, हमारा सेंसेशन पूरी तरीके से लॉस हो जाता है और हम अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, हम पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया नॉर्मली हम उन कंडीशन में यूज़ करते हैं जिसमें हमें कोई बिग सर्जरी करनी होती, बड़ी सर्जरी करनी होती, टाइम ज़्यादा लगने वाला था, उस कंडीशन में हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते। इसको लगाने के बाद पेशेंट टोटली क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता, अवेयर नहीं होता है और उसका जो है सेंसेशन पूरा चला जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, उसे कोई भी पेन या फिर कुछ भी फील नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल एनेस्थीसिया इज डिवाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज द इनहेलेशनल एंड दूसरा है इंट्रावेनस। जनरल एनेस्थीसिया डिपेंड करता है कि हमें कौन सा जनरल एनेस्थीसिया देना है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इनहेलेशनल एंड सेकेंड वन इज इंट्रावेनस जनरल एनेस्थीसिया। फर्स्ट गैस गैसियस हम देते हैं, जो इनहेलेशन मतलब होता है जो हम इनहेल करते हैं, सूंघ के हम लेते हैं जो एनेस्थीसिया को, जो वाया हम नेजल के थ्रू देते हैं, नोज़ के थ्रू दे रहे हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन एंड द ईथर, ये हमारा किसके अंदर आएगा, ये हमारा इनहेलेशन के थ्रू आएगा। नेक्स्ट हमारा इंट्रावेनसली, कुछ एनेस्थीसिया ऐसे होते हैं जो हम इंट्रावेनसली देते हैं, मतलब आईवी के थ्रू इंट्रावेनस इनटू द वेन, वेन में हम डायरेक्ट इंजेक्ट करके जो एनेस्थीसिया देते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनसली। किटामाइन, प्रोफेफॉल, डाइजीपाम, फिनोटोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल और मेथास्टाडोन।
ये हमारे एनेस्थीसिया हो गए। तो जो हमारे जनरल एनेस्थीसिया है वो टू टाइप के होते हैं, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल जो बाया इनहेल करके लेते हैं, इनहेल करके, दूसरा इंट्रावेनसली जो हम इंट्रावेनसली वाया इंट्रावेनस मतलब वेन के थ्रू देते हैं वो हमारे हो गए। तो हमारा जो जनरल एनेस्थीसिया है वो दो प्रकार का होता है, जो हम सूंघा के सांस के थ्रू सूंघा के जो देते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, दूसरा और इंट्रावेनस जो हम आईवी के थ्रू देते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रावेनस, जिसमें हमारा ये सारे नाम आते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा लोकल एनेस्थीसिया। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है इसे टॉपिकल इनफिल्ट्रेशन इंजेक्शन एंड द नर्व ब्लॉक इंजेक्शन। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसे मेनली हम दो प्रकार से देते हैं, सॉरी तीन प्रकार से देते हैं। टॉपिकल एनेस्थीसिया मतलब कि उस पर्टिकुलर एक स्किन में जो है, स्किन में जो हम सेडेट करते हैं, स्किन में लगा के टॉपिकली हम करते हैं। नेक्स्ट होता है इनफिल्ट्रेशन इंजेक्टेड टू द टिश्यू, मतलब इसे हम क्या करते हैं बाय द सिरिंज हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं इन टू द टिश्यू, और हम पेशेंट को एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं उसका लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं। नर्व ब्लॉक में इंजेक्ट द नियर मेजर नर्व, जहाँ पे मेजर नर्व होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं इंजेक्टेड करते हैं वाया द सीरीज, दैट इज़ द नर्व ब्लॉक लोकल एनेस्थीसिया। तो हमारा लोकल एनेस्थीसिया तीन प्रकार का हो गया, टॉपिकल एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया एंड नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। ये टोटली टू टाइप के होते हैं, एस्टर होता है, एमाइड होता है। एस्टर में हमारा हो गया कोकेन, बेंजोकेन, प्रोपेकेन एंड टेट्राकेन। एमाइड में हमारा हो गया लाइडोकेन एंड प्यूपिकेन, ये हमारे दो हो गए। अब हम बात करते हैं हमारा लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है। तो लोकल एनेस्थीसिया, द लोकल एनेस्थीसिया वर्क एज अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ बॉडी एंड टेम्पोरली स्टॉप सेंस ऑफ पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। दिस इज़ द लोकल एनेस्थीसिया यूज फॉर माइनर सर्जरी एंड माइनर प्रोसीजर। लोकल एनेस्थीसिया, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, मैं उनको समझाना चाहती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया है जो किसी एक पार्टिकुलर पार्ट में हमें सर्जरी करना होता है वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब पार्टिकुलर सर्जरी मतलब कि कोई माइनर सर्जरी, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। तो जैसे किसी के हाथ में कोई गिल्टी हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ फोड़ा हो गया है, कुछ फुंसी हो गया है, या फिर कुछ छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम्स है उसका छोटा सा माइनर कट करके हमें निकालना है, तो उस जगह हम क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए हम रीजनल एनेस्थीसिया के लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए हम सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया जाएंगे लोकली, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया एक पार्टिकुलर एरिया का सेंसेशन को लॉस करता है। जहाँ पे हमारा इंसीजन लगाना, जहाँ पे हमें कट लगाना है, ये एनेस्थीसिया ओनली वहीं पर वर्क करता है। तो इसलिए हम लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ वहीं करते हैं जहाँ पे छोटी मोटी सर्जरी हमें ज़रूरत होती है। इसमें हमारा क्या आएगा, लिडोकेन, टेट्राकेन और कोकेन टाइप के हमारे एनेस्थीसिया यूज़ किए जाते हैं। समझ आ क्या? तो लोकल एनेस्थीसिया हमेशा एक पार्टिकुलर एरिया में, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ी हो, एक पार्टिकुलर एरिया में हम क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा रीजनल एनेस्थीसिया। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं रीजनल एनेस्थीसिया में कि मैम रीजनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है, रीजनल एनेस्थीसिया जब हम क्या करते हैं किसी रीजनल मतलब होता है जैसे कि हम मेनली सी सेक्शन मतलब सीजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं, सर्जिकल डिलीवरी करा रहे हैं, हैंड या फुट का ऑपरेशन करवा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, जॉइंट्स की सर्जरी कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। जबकि जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्व ब्लॉक करता है, एपिड्यूरल के थ्रू करते, स्पाइनल के थ्रू करते, नर्व ब्लॉक करते हैं, जो मेनली हम स्पाइनल के थ्रू देते हैं, एपिड्यूरल के थ्रू देते, वो हमारा रीजनल एनेस्थीसिया। जैसे कि आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा कि जब हमारा सीजेरियन सेक्शन होता है तो पेशेंट को हम सी शेप में करके उसे हम स्पाइनल में क्या करते हैं, हम जिसे हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में, या फिर बहुत लोग बोलते हैं कमर में, हम क्या करते हैं इंजेक्शन लगा के एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है। रीजनल एनेस्थीसिया अफेक्ट लार्जर एरिया सच एज एंड लेग रेस्ट, आर्म, बिलो द वेस्ट, एंड मेनली दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यूज फॉर टाइप्स any types of joint surgery, hand, foot, arm surgery, surgical delivery, C-section and cesarean. mainly regional जो anesthesia होता है ये as compared than local anesthesia से ज़्यादा far मतलब ज़्यादा area को क्या करता है
सेंसेशन को लॉस करता है, ठीक है। रीजनल एनेस्थीसिया बोल रहे हैं ना, लार्जर एरिया को अफेक्ट करता है। रीजनल एनेस्थीसिया लार्जर एरिया को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और हमारा लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, एक पार्टिकुलर एरिया को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको, एक पार्टिकुलर नॉर्मल एरिया में, जैसे एक छोटा सा एरिया वहाँ पे आपको सर्जरी करना, तो ओनली ये वहाँ अफेक्ट करता है। लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, लार्जर एरिया को क्या करता है, जैसे अगर आर्म में है आपको नीचे के एरिया पे सर्जरी करना, पैर में करना है, तो ये क्या करता है, एक नीचे के रिस्ट को, पूरा लोअर एरियाज़ को क्या करता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को क्या करता है, पूरा उसके लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है। तो ये लार्जर एरियाज़ को क्या करता है, उसके सेंसेशन को ख़त्म कर देता है। लेकिन मेजर लोअर वाले में क्या होता है, लोकल वाले में क्या होता है, ये एक पार्टिकुलर उस एरिया के ओनली सेंसेशन को ख़त्म करता है। क्लियर हो गया। अब हमारा आएगा रिस्क ऑफ द एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, रीजनल एनेस्थीसिया में क्या रिस्क होता है, हमारा वोमिटिंग होता है, नोसिया होता है, चिल्स होने का चांसेस होता है, कन्फ्यूजन फॉर फ्यू डेज, ठीक है। तो रीजनल एनेस्थीसिया मेनली हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, हम लोग स्पाइनल एपिड्यूरल करते हैं, कभी कभी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक भी करते हैं, कभी नर्व ब्लॉक करते हैं, ये सारे जो आते हैं हमारे रीजनल एनेस्थीसिया के अंडर में आते हैं। अभी आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया जो होता है हम हमेशा बिग सर्जरी के लिए करते हैं, बड़ी सर्जरी के लिए करते हैं। ये पूरी बॉडी को, इंटायर होल बॉडी को क्या करता है, जनरल एनेस्थीसिया अनकॉन्शियस कर, पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है, पूरा स्लीपी हो जाता है, उसे कुछ होश नहीं रहता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल वो बेहोश हो जाता है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता है जनरल एनेस्थीसिया पे, ठीक है। क्योंकि कोई बड़ी सर्जरी जब हमें करनी होती है हम तब करते हैं, टाइम टेकिंग सर्जरी करनी होती है तब हम करते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, हम ओनली छोटी सी, कोई छोटा सा फोड़ा है, छोटा सा फुंसी हुआ है, या फिर छोटा सा कोई इंसीजन लगाना है, या फिर आपको कोई छोटी मोटी सर्जरी करनी है, कहीं ट्यूबिंग करना है, ये सारी सर्जरी में हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया एक पार्टिकुलर एरिया को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, एक पार्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को लॉस करेगा, ठीक है। एंड फिर अगेन हम रिवाइज करते हैं, एनेस्थीसिया होता क्या है, एनेस्थीसिया का सीधा काम है लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन को क्या कर देना है, लॉस कर देना है, और पेशेंट को अनकॉन्शियस करना, इफ अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो करेगा। एनेस्थीसिया क्या है, ये क्या करता है, नॉर्मल जो सेंसेशन होता है, नॉर्मली हमें कोई टच कर रहा है, हम जल जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कट जा रहे, हमें फील होता है, लेकिन एनेस्थीसिया देने के बाद हमारा जो नॉर्मल सेंसेशन होता है वो टोटली चला जाता है, हमें कुछ भी फील नहीं होता, कोई हमें जला दे, काट दे, बर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें फील नहीं होगा अगर हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्योंकि एनेस्थीसिया क्या करता है, हमारे नॉर्मल सेंसेशन को पूरी तरीके से लॉस कर देता है। तो ये हमारा था अबाउट द एनेस्थीसिया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।